हाय फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सबके लिए मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। यहाँ पे वैकेंसीज का अपडेट आ चुका है। 8th पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, डिप्लोमा, डिग्री, सबके लिए अलग अलग वैकेंसीज का नोटिस आया हुआ है। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या यहाँ पे प्रोसीजर रहने वाला है, सारा मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करूंगी। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, साथ में बेल बटन को जरूर प्रेस करना। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आ जाएंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। काफी पेपरों में उसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं और आते रहेंगे। अभी एफसीए का एग्जाम हुआ है, उसमें भी उसी में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जरूर उसको आप डाउनलोड कीजिएगा। और उससे भी बढ़िया बात आप सबके लिए ये है, हमारे चैनल पे कंपटीशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। करना क्या है आपको, जस्ट आप इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। शेयर करते ही अगर वो सब्सक्राइब करते हैं चैनल, आप जीत सकते हैं यहाँ पे लैपटॉप। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, शेयर बटन पर क्लिक करके आपने कोशिश करनी है व्हाट्सएप के जरिए ज़्यादा आप शेयर करना, क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास डेटा जल्दी आ पाएगा, जल्दी से जल्दी आप लैपटॉप जीत पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करवाना चैनल को। सब्सक्राइब से ही आपको ज्यादा यहाँ पे फायदा होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करेंगे रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिस आउट होने जा रहा है। कौन कौन सी वैकेंसीज है पहले वो बात करेंगे। यहाँ पे हेल्पर की सबसे पहली वैकेंसी होगी, देन क्लर्क की है, MTS यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए, मैनेजर के लिए, और अदर्स वैकेंसीज यहाँ पे होंगी, जैसे बैकेंड में हो गई, अकाउंट्स में वैकेंसीज हो सकती है, कैशियर में, ठीक है। और यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज होंगी, 80,000+ वैकेंसीज यहाँ पे आउट होंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, बैंक की प्योरली जॉब आपकी ये रहेगी, और ऑनलाइन आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना होगा। जॉब की जो लोकेशन है, ये ऑल इंडिया में ही रहेगी। मतलब जैसे मेरे पास ये कमेंट आते हैं कि हम ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, हमारी जॉब लोकेशन क्या रहेगी। मान लो आप बिलोंग करते हैं गुजरात से, तो आपकी जॉब लोकेशन गुजरात रहेगी। हरियाणा से बिलोंग करते हैं, आपकी जॉब लोकेशन आपके होम टाउन के पास ही होगी, ठीक है। सो जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं, उसी के पास आपको यहाँ पे जॉब लोकेशन दी जाएगी। और सीधी भर्ती है यहाँ पे 8th पास के लिए, 10th पास के लिए, 12th पास के लिए, और ग्रेजुएट पर्सन की अलग वैकेंसीज है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे होंगी। डिप्लोमा डिग्री के लिए अलग है, 8th पास, 10th पास, 12th पास के लिए यहाँ पे सीधी भर्ती है। और उसके बाद जो अदर वैकेंसीज है, मैनेजर लेवल की पोस्ट के लिए, यहाँ पे आपका CBT एग्जाम पहले होगा, देन आपकी इंटरव्यू होगी। पूरी न्यूज में आपको दिखा देती हूँ। देखिए, सरकारी बैंकों में 2 साल में करीब 80,000 भर्तियां होने की संभावना, रिक्रूटमेंट में ढील पर विचार किया गया है। सरकारी बैंकों में 2 साल में बड़े पैमाने पर नौकरियों के मौके निकलेंगे। मौजूदा वित्त वर्ष यानी कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर है, और अगले साल इन बैंकों में करीब 80,000 अफसर और क्लर्क रिटायर होने वाले हैं, और इनमें देश का सबसे बड़ा बैंक SBI शामिल है। सो ज्यादा वैकेंसी जो आउट होंगी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही होंगी, और इन बैंकों में मौजूदा वित्त वर्ष में 39,765 कर्मचारी रिटायर होंगे। इसमें 19,065 अफसर और 14,669 क्लर्क होंगे। इसके अलावा सब स्टाफ भी अवकाश ग्रहण करेंगे। ये सारी न्यूज आप यहीं से पढ़ सकते हैं, आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि वो भी अपनी तैयारी करनी शुरू कर दे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे चैनल में कंपटीशन चल रहा है, अगर आप भी जीतना चाहते हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।